वोडाफोन आइडिया के बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने का सरकार का फैसला इस टेलीकॉम कंपनी को बड़ी राहत देगा। इससे वोडाफोन आइडिया को कुछ मौजूदा कर्जों को तत्काल रिफाइनेंस करने में मदद मिलेगी। इससे वोडाफोन आइडिया वेंडर्स का बकाया भुगतान कर सकेगी और उसके पास पूंजीगत व्यय के लिए भी रकम होगी। विश्लेषकों ने सरकार के फैसले के बाद यह बात कही है। बीते दिन सरकार वोडाफोन आइडिया का डिफर्ड AGR पर 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज को 10 रुपए प्रति शेयर पर इक्विटी में बदलने की सहमति जताई थी। वोडाफोन आइडिया के प्रोमोटर्स की तरफ से एक आश्वासन मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रोमोटर्स ने आश्वासन दिया है कि वे वोडाफोन आइडिया के लिए कमिटेड हैं और आवश्यक फंड लगाएंगे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच में सीनियर डायरेक्टर नितिन सोनी ने कहा कि सरकार का फैसला कर्जदाताओं को VI का मौजूदा बैंक कर्ज रिफाइनेंस करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि टेलीकॉम कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए वे नया लोन देकर जोखिम नहीं लेंगे। फिच ने कहा कि अगर रिफाइनेंसिंग होती है तो वोडाफोन आइडिया को टावर कंपनियों और नेटवर्क वेंडर्स को बकाया का एक हिस्सा चुकाने में मदद मिलेगी। साथ ही कंपनी को अपने 4G ऑपरेशंस को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। सितंबर 2022 के आखिर में वोडाफोन आइडिया का बैंकों और दूसरे कर्जदाताओं को बकाया 15,080 करोड़ रुपए था। सितंबर 2023 तक वोडाफोन आइडिया को 9,600 करोड़ रुपए का रिपेमेंट करना है। वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर्स जैसे वेंडर्स का बकाया जल्द ही चुकाने की जरूरत है और अपना 4G नेटवर्क बढ़ाना है। साथ ही वोडाफोन आइडिया को एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनियों के साथ 5G गियर आपूर्ति अनुबंधों को अंतिम रूप देने की भी आवश्यकता है। वोडाफोन आइडिया को करीब 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस रकम से कंपनी जियो और एयरटेल के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा और 5G नेटवर्क रोल आउट कर पाएगा। बहरहाल आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को करीब 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।